आसमान को अपने हौसले के दम पर नापने वाले गिद्ध विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोंडा में विशालकाय गिद्ध मिलने से गांव वाले अचंभित हो गए। पहले तो वो गिद्ध को देखकर डर गए, लेकिन हिम्मत करके पास पहुंचे तो उन्होंने घायल गिद्ध को पकड़ लिया। इसके बाद गिद्ध को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। विशालकाय गिद्ध को देखकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शायद वो पहली बार गिद्ध को देख रहे थे। गांव वाले ने घायल गिद्ध को पानी पिलाया, जिससे उसके जान में जान आई। पैर का कुछ बांधो, किसी चीज से पैर बांधो। हे भैया सुतरी लाओ, सुतरी। हे भैया मुन्ना, आप क्या कुछ टेंशन कर रहे हो? यार बांधो, बांधो। हाँ आप पैर वो बांधो के तब भागी ना। अब पैर टूटे ना, पकड़े हैं बहुत अच्छी तरीके से। ले बटोर के वो कोनो बजे लाओ। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं मैं बंद हुआ अपने काटे। अरे जीत है ये मारो, सुधारो, मारो। ठीक है, उड़ नहीं पा रहा था ना। हां साहब, उड़ नहीं पा रहा था। फिर आप इधर बंद जोड़ रहा रखो, देखो साहब फिर ना भागेला। पंख पकड़े रहना, ए भागी रहा, भागी पकड़े रहो, पकड़े रहो। हां जा, देखो 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 हमला ना करिए। इसका एक बार पंख फैलाओ, देखें क्या है। हट जाओ, दूर हटो, दूर हटो भैया, दूर हट जाओ, एकदम हट जाओ, एकदम हट जाओ, एकदम हट जाओ। ये भैया सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब पता है? दूर दूर रहना, बीमारी भी फैली है। हट जाओ, और सब हट जाओ। हट जाओ भैया, दूर दूर हट जाओ, दूर दूर हटो। पानी जी, पानी जी, पानी जी, हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। ना घटाई ना दबा बाबा। अरे वो कैसे कल दो मुंडी पकड़े हैं, घटाई ना डाली। रुक गया हो अभी, ऐसे पकड़े रहा है। देखो छोड़ा गया तुरंत दूर दी। इसके बाद गांव वालों ने वन विभाग को फोन कर गिद्ध मिलने की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग के लोग पहुंचकर गिद्ध को उपचार के लिए ले गए। बता दें गिद्ध की उड़ान आसमानों को भी मात दे देती है। कई दफा गिद्ध दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट से भी ऊंची उड़ान भर चुके हैं। दरअसल इतनी ऊंचाई पर कोई अन्य पक्षी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अन्य पक्षी मर जाते हैं, लेकिन गिद्ध को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बता दें प्रकृति के सफाई कर्मी कहे जाने वाले गिद्ध की संख्या उत्तर प्रदेश में लगातार घट रही है। साल 2012 में प्रदेश में गिद्धों की गणना की गई, उस वक्त प्रदेश में गिद्धों की संख्या 2070 थी, लेकिन मौजूदा समय में लगभग 1350 गिद्ध ही उत्तर प्रदेश में बचे हैं। बता दें एक मरे हुए सांड को गिद्ध मात्र 30 मिनट में ही हजम कर सकता है।